तो एक पोयम है जिसका नाम है यकी आ गया। उसका मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट आपको बता देती हूँ कि एक लड़की है, वो जब रात को निकलती है तो उसके मन में बहुत सारे फियर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर इंटेंशंस, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, भगवान उसको खुद पनिश करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं, वो बिलीव रखना बेटा, आपने अपना 100% देखना है, बाकी ऊपर वाला आपके साथ है। क्लियर? तो ये पोयम की स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है कि वो बच्ची है जो थोड़ी डरी हुई है और उसके बाद उसको बिलीव होता है गॉड पे। क्लियर? तो वो पोयम जो उस बच्चे ने लिखी है मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। एक रात जो जरा काली थी, मैं एक लड़की थोड़ी तहमी थोड़ी भोली भाली थी, रास्ते पे चले जा रही थी, जाने क्या मैं सोचे जा रही थी। रास्ते में कुछ लड़के खड़े दिखे, कुछ भिखारी और कुछ सोए हुए लोग दिखे। उनमें न जाने क्या बात चल रही थी, पर मुझे तो सिर्फ काली रात दिख रही थी। वो लड़के कुछ पास आने लगे, मेरे दिल की धड़कने बढ़ाने लगे, दिल की घबराहटें भी बढ़ने लगी और सन्नाटे घने छाने लगे। एक हाथ पीछे से आया, फिर छीना झपटी भी जोरों से होने लगी। हाथ में हथियार देख मैं कुछ न कर सकी, फिर कुछ नजर न आया क्योंकि आंखें आंसुओं से भरने लगी। ये देख रो पड़ी ये रात, उसके आंसू बन गए बारिश की घाट, कि इस दहशत के मौसम में बिजलियां भी कड़कने लगी और एक बिजली उन पे गिर पड़ी। तब थोड़ी जान में जान आई कि और क्या प्रमाण है उसके होने का, ये बात मेरे समझ आई। लगा अर्जुन ने जैसे गांडेव पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और मेरी जान बचाई। बोले श्री कृष्ण बोलत रहे कबीर, बोले श्री कृष्ण बोलत रहे कबीर, कि नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाए वो ना हो सके कभी वीर। कि छिड़ जाती है महाभारत नारी की हानि से, कि जग सीखे ये बात इस कहानी से। अब मैं हूं, मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कने हैं, कि उसके होने का मुझे यकीन आ गया। तो एक छोटी सी पोयम थी बेटा उस बच्चे ने लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और कुछ लाइंस में गूजबम्स हुए, तो मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो वो सभी गर्ल्स जो पढ़ रही हैं बेटा, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। एक बार वो अचीव करो जो आप डिजर्व करते हो, चीजें हमेशा आपके अकॉर्डिंग होंगी। मैं भी आप में से एक थी जिसने ये सोच कर कि पापा कैसे करेंगे, मतलब सबके साथ होता है, सबकी फैमिलीज में होता ही है कि फाइनेंशियली हम सोच के चलते हैं कि आगे का डिसाइड करके चलना है, ठीक है ना। क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्हें दिखती है एक लड़की के लिए, वो दिखती है उनकी शादी की, टू बी वेरी फ्रैंक, कि वो कैसे किया जाएगा। बट आप ये सोचोगे जब आप फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो आप खुद से अपने डिसीजंस ले पाओगे, खुद से चीजें खुद अरेंज कर पाओगे। तो बेटा सबसे पहले आपके लिए पढ़ाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब तो इतना इन्वेस्ट भी नहीं होता, नहीं तो ऐसा बोला जाता था कि लड़की को कोचिंग क्यों करा रहा है। एक टाइम वो भी था और कुछ लोगों के यहाँ अभी भी वो टाइम होगा। तो वो गर्ल्स जो छोटे छोटे गाँव में रह रही है, जो अपने लिए अवेयर नहीं है, सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें जो नोन है जिनके, या फिर गांव में कुछ कजन्स हैं जैसे भी हैं, आप उन तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करें, ताकि वो और कुछ नहीं तो कम से कम यूट्यूब पे ही पढ़ लें, और वो पढ़ लेंगे तो वो अचीव करेंगे जो वो अचीव करना चाहते हैं। रिसेंटली अभी अलग सर को भी कैबिनेट मिनिस्टर सर ने अवार्ड दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि सर ने कितना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए, और वो अब तक जोरों शोरों से चल रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नीट सेलिब्रेशन में सिलेक्शन हुआ है, आपने नीट सेलिब्रेशन में भी देखा होगा, वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है बेटा। तो हमेशा स्टे मोटिवेटेड, जिनके पास फैसिलिटीज हैं वेल एंड गुड, वो अपना बेस्ट दो, जिनके पास नहीं है अपने आप को लकी मानना बेटा, अपने आप को सोच लेना कि मुझे कितना बेस्ट परफॉर्म करना है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है आगे के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे अवेयर हो चुके हैं,
कितने बच्चों आपने अगर नीट सेलिब्रेशन के इंटरव्यू देखे हो, किसी के फादर ऑटो ड्राइवर है, किसी के फादर फार्मर है, तो सबको ही मेहनत करनी है। अब ऐसा नहीं है बेटा कि सोर्सेस किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ना, ठीक है। तो मैं जब इमोशनल होती हूँ तो मेरा मेरे वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं आपको बोलती चली जा रही हूँ। ये पोएम मैंने जो पढ़ी थी, तो मैं उन गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ बेटा, जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है। तो बेटा कैसे भी करके भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिनकी छोटी बहनें हैं, कि उनको मोबाइल अवेलेबल कराओ, उनको इस चीज का नॉलेज दो ताकि वो भी पढ़ सके। एंड दिस इज ट्रुथ बेटा, वो पढ़ेंगी, वो अपने राइट्स जानेंगी, और जरूरी नहीं है कि आपको फिर कुछ भी करना पड़े, वो खुद अपना करियर खुद बनाएंगी, वो शादी अपनी खुद कर लेंगे, तो तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ठीक है। स्टिल आपके कोई भी डाउट रह जाए, घबराना मत,